नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। 9 दिन तक चलने वाला नवरात्रि का महापर्व अब अपने समापन की तरफ है और नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि की सबसे ज्यादा महिमा बताई जाती है और सबसे ज्यादा महिमा मानी जाती है। इस बार अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर कंफ्यूजन भी है, पूजा के तरीकों में मतभेद भी है, तो अष्टमी और नवमी तिथि पर आज के अंक में विस्तार से बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 11 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, दोपहर 12:06 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 11:41 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 11 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और केतु विद्यमान हैं कन्या राशि में, बुध और शुक्र तुला राशि में, चंद्रमा धनु राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर हम ये जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। इस बार सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये है कि अष्टमी कब मनाएं, नवमी कब मनाएं, व्रत कब रखें। यानी इस बार नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर भयंकर कंफ्यूजन है। क्या मामला है देखिए, इस बार नवरात्रि की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को दोपहर में 12:31 पर और अष्टमी तिथि 11 अक्टूबर को दोपहर में 12:06 तक रहेगी। नवमी तिथि 11 अक्टूबर को ही दोपहर 12:07 पर आरंभ हो जाएगी। अब देखिए, अष्टमी तिथि जो है वो सप्तमी तिथि के साथ भी है इस बार और नवमी तिथि के साथ भी है। सप्तमी और अष्टमी तिथि का उपवास एक साथ नहीं रखा जा सकता और सप्तमी और अष्टमी तिथि एक साथ नहीं मनाई जा सकती। अब देखिए, अष्टमी तिथि जो है वो सप्तमी के साथ भी है, सप्तमी को दोपहर में शुरू हो रही है,
और नवमी तिथि पर भी है, क्योंकि नवमी तिथि को सुबह से शुरू हो रही है, तो बेसिकली अष्टमी सप्तमी के साथ भी है और नवमी के साथ भी है, लेकिन सप्तमी और अष्टमी तिथि का उपवास एक साथ रखना शुभ नहीं होता, और सप्तमी और अष्टमी तिथि एक साथ नहीं मनाई जा सकती। इसीलिए 11 अक्टूबर को ही अष्टमी और नवमी तिथि का पालन किया जाएगा। अष्टमी तिथि की जो पूजा होती है, जब अष्टमी खत्म होती है और नवमी शुरू होती है, उस संधि के 2.5 घंटा पहले और 2.5 घंटा बाद में अष्टमी तिथि की संधि पूजा होती है। तो अष्टमी तिथि की संधि पूजा 11 अक्टूबर को दोपहर में होगी, और नवमी की जो पूजा होती है वो मुख्यतः रात में होती है, तो नवमी तिथि की जो रात्रि पूजा है वो भी 11 अक्टूबर को की जाएगी। यानी इस बार अष्टमी तिथि की पूजा और नवमी तिथि की पूजा दोनों 11 अक्टूबर को करना है। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, नौकरी में आपके सुधार होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, दोपहर से स्थितियों में सुधार होना शुरू होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, वाहन सावधानी से चलाएंगे। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, नौकरी में नए अवसर मिलेंगे, स्थान परिवर्तन हो सकता है, स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जैसा आपको बताया कि 11 अक्टूबर को ही अष्टमी और नवमी दोनों की पूजा की जाएगी, तो अब ये जानते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि का महत्व क्या है। देखिए, नवरात्रि के 2 दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, अष्टमी तिथि और नवमी तिथि। अष्टमी तिथि को माता महागौरी की पूजा की जाती है, और इस दिन अष्टमी तिथि पर लोग, बहुत सारे लोग विशेष उपवास भी रखते हैं। इसके अलावा अष्टमी तिथि पर ज्यादातर लोगों के घर में कन्या पूजन का प्रावधान भी है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर उपासना करने से मन चाहे विवाह का वरदान मिलता है। आप पुरुष हो या आप स्त्री हो,
अगर नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माता महागौरी की पूजा आप करते हैं तो आपको शीघ्र विवाह का वरदान अवश्य मिलेगा। नवरात्रि की नवमी तिथि का महत्व क्या है ये भी जानेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी, स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, सहयोगियों से मतभेद हो सकता है, संतान पक्ष में समस्या आ सकती है, अचानक धन का लाभ हो सकता है, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, सेहत अच्छी रहेगी, धन की दशा में सुधार होगा, लेकिन अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं, संपत्ति संबंधी मामले हल होंगे, नौकरी में कुछ परिवर्तन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं कि नवमी तिथि पर देवी के किस स्वरूप की पूजा होती है और उनकी महिमा क्या है। देखिए, नवरात्रि के नवें दिन नवमी तिथि पर माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और इनकी पूजा उपासना करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि की नवमी तिथि पर अगर आप केवल माता सिद्धिदात्री की पूजा करें तो आपको संपूर्ण देवियों की पूजा का फल मिल सकता है। नवमी तिथि पर कमल के फूल पर बैठी हुई माता सिद्धिदात्री का ध्यान करना चाहिए। देवी को विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूल अर्पित करना चाहिए और नवमी तिथि पर माता सिद्धिदात्री को शहद अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि की नवमी तिथि पर दुर्गा सप्तशती, कवच, कीलक और अर्गला, इसका पाठ करना बहुत लाभकारी होता है और नवमी तिथि पर नवरात्रि की संपूर्णता के लिए हवन भी किया जाता है। नवमी तिथि पर अगर आप हवन करते हैं तब जाकर के आपकी नवरात्रि आपके लिए संपूर्ण होती है। अब जानते हैं कि नवमी तिथि पर देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से हवन करेंगे। हवन कुंड में लकड़ी जलाइए, पहले 5 बार उसमें घी डालिए,
5 बार घी की आहुति दीजिए और इसके बाद 108 बार हवन सामग्री से आहुति देंगे, एंग रिंग क्लिंग चामुंडाय विच्छे स्वाहा, इससे हवन करिए, या ओम दुं दुर्गाय स्वाहा, इससे हवन करें, और हवन की समाप्ति के बाद मां दुर्गा से, देवी से कृपा की प्रार्थना करिएगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, करियर में आपको विशेष लाभ होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, संतान पक्ष को लेकर चिंता हो सकती है, हालांकि दोपहर से स्थितियों में सुधार हो जाएगा। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी भेंट होगी, उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जान लेते हैं आपके दिन और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए लकी टिप। नवरात्रि की नवमी तिथि को देवी की पूजा कमल के फूल से करिए, कम से कम एक कमल का फूल उनको अर्पित करिएगा। ऐसा करने से उच्च पद प्राप्त करने में आपको सुविधा होगी। बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। दिनांक 11 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार। 11 अक्टूबर शुक्रवार को प्रातः काल देवी को लाल फूल अर्पित करेंगे। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लेंगे। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो देवी की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।